एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, शबनम जी आएंगे आपके पास। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा, ठीक, केंद्र हो और चाहे राज्य की सरकार रही, यानी भाजपा और आम आदमी दोनों, ठीक है, दिल्ली में कूड़े का इतना बड़ा पहाड़, ठीक, आम आदमी वाले से पूछो, मुस्कुरा कहता हमारे पास फार्मूला है, तो भैया दया करो, बोल ना ऐसे नहीं दया करेंगे, एमसीडी जिताओ तो दया करेंगे, तो बताएंगे, अभी फार्मूला जेब में रखेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक। भाजपा वालों से पूछो, वो भी गोलमोल को जवाब देकर निकल जाते हैं। 85 बार मैं देश सुन चुका, हाईकोर्ट सख्त नाराज, सुप्रीम कोर्ट उससे भी सख्त नाराज, एलजी ने बैठक बुलाई, फलाने ने बैठक बुलाई, हजारों किलो काजू की खपत हो गई होगी ऐसी बैठकों में, क्या? लेकिन दिल्ली की सांस वहीं की वहीं चौक है, और वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई बात नहीं हो रही। मिश्रा जी क्या करें? अमिताभ जी, वचनम किम दरिद्रतम, बोलने में क्या जाता है, और भारतीय राजनीति की ये विशेषता रही है। इसके महागुरु में लालू प्रसाद यादव जी को बोला था, मानता हूं, जब उन्होंने बोला कि हम बिहार की सड़कें ऐसी बनवा देंगे कि आपको लगेगा कि एक हीरोइन का नाम लिया था कि उसके गाल पे चल रहे हैं, और बड़ी तालियां बजी थी, अट्रैक्शन वगैरह हुआ था। ये बड़े दुख की बात है। देखिए, दुख की बात ये है, आप बता रहे थे किसी नेता ने गारंटी शब्द का यूज किया है, कोई जरा PIL अभी दायर कर दे और बताए कि गारंटी का मतलब क्या होता है, कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। स्पेशली ये एक लॉफुल जो है वर्ड है गारंटी, जिसमें कि वो चीजें आपको करनी होती हैं, लेकिन नेताओं को या तो ज्ञान नहीं है, या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या इलेक्शन कमीशन शायद अभी इतना जागरूक नहीं हुआ है। केजरीवाल जी से भी एक चीज आप और अगर ये पूछिए, तू डाल डाल में पात पात, केजरीवाल जी लेटेस्ट अवतार है, अतिशयोक्ति का जो प्रयोग है, एक अलंकार है अतिशयोक्ति, इतना जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। किसी भी योजना की फिजिबिलिटी आप इन प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मुखिया से पूछ लीजिए कि भाई ये आप ऐसे करेंगे, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, तो पता चलेगा सरकार के पास तो उतना पैसा ही नहीं है जितना इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है, मुझे ये लगता है इन लोगों को केवल बोलना है, और इनके अंतःकरण में भी ये क्लियर है कि अरे बोल दो, पहले चुनाव जीते, होगा नहीं होगा तो 50 बहाने हैं। इन्होंने नहीं करने दिया जी, हमने तो शुरू किया तो वो धरने पे बैठ गए। मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत गंभीर होने की जरूरत है, और इलेक्शन कमीशन को भी एक गाइडलाइन इस पे देनी चाहिए। ये नेता लोग ऐसे आशिक है ना, ऐसे प्रेमी है ना, जो कि आंखें मूंद के जो है वादे करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के दूंगा, तारे तोड़ के दूंगा, तुमको ले करके मैं हनीमून मनाने मंगल ग्रह पे चलूंगा। अरे न रॉकेट है, दिल्ली मंगल बाजार है, मंगल बाजार की बात करते होंगे, मंगल ग्रह समझ लेते हैं लोग। हाँ, मैं समझ गया, ये अतिशयोक्ति का बेहतरीन प्रयोग चुनाव में देखने को मिल रहा है। ठीक बात, और इलेक्शन कमीशन को गंभीर होना चाहिए इस पे। शबनम, केजरीवाल जी से एक सवाल और पूछ लीजिएगा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के बाहर या पंजाब दो पकड़ लीजिए, आपका कहीं अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो पूरे भारत में कैसे योजनाएं आप चला देंगे? ने पूरे भारत को नंबर वन वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। अभी तो इसी पे एक बात और बोलता हूं, गुजरात के दोबारा में आते जी, एक लड़के ने पूछा तो केजरीवाल ने जवाब दिया हम देश को नंबर वन बनाएंगे। उसने पूछा कैसे, केजरीवाल देखिए क्या खूबसूरत जवाब देते हैं, हम थोड़ी बनाएंगे, आप बनाएंगे। अरे अगर हम बनाएंगे तो आप किस लिए वादा करने के लिए बैठे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है किसी भी नेता की? अगर नेता बोले जनता बनाएगी तो आपकी क्या जरूरत है? ये ठोस बात हो तो उसमें पकड़े जाने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए आप देखिएगा भारत का जो पॉलिटिकल क्लास है वो वेग बात करना चाहता है, गोलमोल, ठीक, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अब ये गोलमोल बात है, इसका कोई अर्थ नहीं, क्या इसको नापा नहीं जा सकता? तो गली खुली रहती भागने के लिए। मैं एक और बुनियादी बात कहता हूं, आप बताइए आपकी समझ में गलती कहां है। दिल्ली में यमुना साफ होनी चाहिए, ठीक,
स्वाभाविक ठीक बात, देश भर में साफ होनी चाहिए नदियां, ये दिल्ली में तो उसका एक बाकायदा एक अभियान है ठीक। और यमुना की हालत ऐसी कि समझ ही में नहीं आता, डिटर्जेंट फैक्ट्री में खड़े हैं कि यमुना में है, प्राण लेवा स्थिति, जान लेवा स्थिति यमुना मैया की, किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? अमिताभ जी, अभी एक हमारे मित्र प्रवक्ता ने बोला था कि कूड़े के ढेर को साफ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बीच में इंटरप्ट किया था कि एटलीस्ट भारत के लिए तो अभी रॉकेट साइंस है। गंगा सफाई का प्रोग्राम कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, यमुना सफाई पे आपने देखा है कितने वादे हो चुके हैं और पैसे फूके जा चुके हैं। इसके पीछे एक कारण बहुत सिंपल सा है, कारण ये है कि जो हमारे मंत्रीगण है, और ये मैं हार्डकोर रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भी मंत्रालय के मंत्री को या बड़े से बड़े नेता को आप पूछ लीजिए, अब कृषि मंत्री कोई बने हुए हैं, उनको कृषि का कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो तो नेतागिरी का नॉलेज है ना उनको, कि वोट कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, कैसे क्राउड को अट्रैक्ट करें, भाषण कैसे देते हैं, वंदना कैसे करते हैं। लेकिन जब वो स्पेसिफिक टास्क के लिए मंत्री बनते हैं, चाहे वो कृषि मंत्री बने या चाहे जो बने, तो सब नील बटे सन्नाटा। भारत के एग्रीकल्चर के क्या चैलेंजेस हैं उनसे पूछ दीजिए, उनको नहीं पता होगा। या और भी जो है, जैसे मान लीजिए मैं अभी पूछूं कि भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप मुझे बताइए आप कैसे करेंगे, एक्सेप्ट एक शर्त है कि आप किसी फॉरेन की कंपनी से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। अब आप बताइए कैसे करेंगे, और अगर आप बता देंगे तो उसको करने का जो जो प्रोसीजर है वो इतना टीडियस है, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना पैसा और डिसिप्लिन उसमें लगता है पब्लिक और गवर्नमेंट का, तो इस आत्मनियंत्रण या इतने विल पावर से तो साफ नहीं होने होने वाली है। गंगा को साफ करना है, यमुना को साफ करना है, एक बाहरी बूंद भी गंगा या यमुना में नहीं जाना चाहिए। हर शहर में सीवेज प्लांट बनाइए कि एक भी घर का एक बूंद गंदा पानी नदी में न जाए। हर शहर के गंदे पानी और गांव के गंदे पानी को रोकने के लिए सीवेज प्लांट बनाएंगे तो कितना बड़ा तंत्र और टेक्नोलॉजी लगेगी। मैंने इसीलिए शुरू में बोला था आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बता दीजिए, हर आदमी के पास अगर 1 करोड़ का फ्लैट हो जाएगा तो भारत या दिल्ली की स्थिति क्या होगी? हर आदमी तो करोड़पति बन गया, उसकी कॉस्ट क्या होगी जरा आप मुझे बताइए, और कितने दिन में बन के वो तैयार होगा? और 2 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर हम 50 लाख भी ऐसे लोगों को मान ले तो आप बताइए जरा कैलकुलेट करके। तो मैंने बोला वचनम किम दरिद्रतम, एक तो इनको नॉलेज नहीं होता है नेताओं को कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, इस डिपार्टमेंट के या इस विभाग की क्या चुनौतियां हैं। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं होगा तो आप अपने मातहत लोगों से काम नहीं ले सकते हैं। ठीक, बहुत कम ऐसे नेता और मंत्री हैं जिनको डीप नॉलेज होता है। ठीक बात, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में मैं देखता हूं जो मिनिस्टर बनते हैं उनको डीप नॉलेज होता है, बाकी और किसी को नहीं होता है। एक मैथिल साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, एक बहुत बड़े सैन्य सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जो 71 की लड़ाई में जिनको देश ने सम्मानित किया वीरता पुरस्कार से चक्र से, उन्होंने मुझसे कहा कि अग्नित्री इस देश की मुश्किल ये है कि वो रक्षा मंत्री बनते हैं जिनके सामने फाइटर प्लेन खड़ा कर दो तो वे नहीं बता पाएंगे पूंछ किधर है मुंह किधर है। क्या मंत्री हैं मौज ले रहे क्या? खुद वाला नहीं है। ठीक है शबनम, अब खुद वाला नहीं। एके मिश्रा जी, ये एक बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं जो इधर हाल फिलहाल उठा नहीं, क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली का पर मेरा विशेष फोकस इसलिए, बीएमसी भी बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है ठीक है ना, मुंबई का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी भी है इसलिए इसका इसकी महत्ता ज्यादा है, इसलिए मैं बहस करने आया एमसी इस मसले पर। क्या अब हमको ये अनुभव, अब तक इतने वर्षों का अनुभव, क्या ये नहीं बताता कि दिल्ली में एक ही प्रशासनिक तंत्र रहना चाहिए? ये प्रयोग नेताओं को मौज दे गया, चाहे इस कुर्सी बैठ के चाउमीन खाओ चाहे इस कुर्सी बैठ के चाउमीन खाओ, मौज दोनों तरफ। बोले क्यों? बोले एलजी नहीं करने दे रहे। एलजी से पूछो, बोले सीएम नहीं कर रहा क्या? और दोनों अपना आनंद लो, आपकी पार्टी वाले के भी जे उनकी पार्टी, क्या ये बंद कर दे सीधे इस पहले जैसी व्यवस्था कि दिल्ली की जिम्मेदारी स्कूल की, सड़क की, पानी की, बिजली की, सिपाही की, दरोगा की, होमगार्ड की, केंद्र सरकार की, या ऐसी सरकार राज्य में हो फिर जैसी
सामान्य प्रदेशों में है। ये नहीं चलेगा कि तुम भी झूला झूलो, हम भी झूला झोले झूले और जनता को लल्लू बना के आनंद लो, ये नहीं चलना चाहिए। बात केवल दिल्ली की ही नहीं, मैं देश के पूरे राजनीति की अगर बात करूं, ठीक है, दिल्ली में जो मौजूदा व्यवस्था है ना, उससे एस्केप करने के रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, और यही रीजन है कि सारे राजनीतिक दल या पार्टियां बड़े आराम से निकल जाती हैं कि अब मतलब अपनी जिम्मेदारियों को बोल देती है, भाई ये तो हम तो करना चाहते थे, उन्होंने ऐसे नहीं होने दिया। सवाल ये है कि सिस्टम कोई भी हो, मैं बोलता हूं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो। शुरू में ही जो एक बात उठी थी अमिताभ जी, अकाउंटेबिलिटी, हर सिस्टम में पता चला नीचे के सारे, इवन अपने गवर्नमेंट सिस्टम में एक पीयून तक की अकाउंटेबिलिटी है कि साहब अगर आप ये नहीं करो तो नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे, ऐसे वैसे, और टॉप लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टॉप टू बॉटम लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए, और अगर हमें विकास करना है, हमें वर्ल्ड लेवल बनना है, थेम्स नदी लंदन में ब्यूबेनिक प्लेग वगैरह जब फैला था, वहां की हालत यही थी, बजबजाती हुई नालियां लंदन में होती थी, उसके बाद हजारों लोग मरे, तब जाके उन्होंने भागीरथ प्रयत्न किया और थेम्स नदी लंदन साफ हुई। ठीक है, समय कम है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं एक सवाल मैथिल